नैनीताल के जंगलों में कुछ जगहों में बढ़ रही आग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने वन विभाग की टीम के साथ आग पर काबू पाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। वहीं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी महेश खान और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। उधर गदरपुर से एनडीआरएफ की एक बटालियन के 40 जवान आग पर नियंत्रण पाने में जुटे हुए हैं। इनमें से 30 जवान आग से प्रभावित पहाड़ी इलाके महेश खान में और 10 जवानों को तराई के इलाके रानीबाग में रिक्रूट कर दिया गया। महेश खान में कुछ जगहों पर लगी आग को बुझाने में वन विभाग की टीम के एनडीआरएफ मुस्तैदी से जुटी हुई है। वन विभाग के उत्तरी क्षेत्र के वन संरक्षक बीजूलाल ने बताया कि आग से काबू पाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही अब तक 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। अभी तक नैनीताल डिवीजन में 28 केसेस रिपोर्ट हो गया। लार्ज फायर 6 लार्ज फायर हो गया था, तो उसमें सारी कंट्रोल होके लगभग 54 हेक्टर का नुकसान हो गया था। हाँ, मतलब 11 लोग के ऊपर बाई नेम जुर्माना एफ आई आर कर दिया और ये 12 केसेस अननोन अज्ञात में केस काटा था। आज 40 एनडीआरएफ टीम हमने डीएफओ साहब को बता के मंगवा दिया, तो वो टीम 30 लोग का ये महेश खान में एक लार्ज फायर चल रहे हैं तो उधर काम कर रहे हैं और 10 लोग रानीबाग एरिया में काम कर रहे हैं। तो एनडीआरएफ बहुत सक्षम है आग बुझाने के लिए, तो हमारा टीम भी हर जगह 20 से 25 लोग है और एक्स्ट्रा फायर वॉचर भी टोटल 300 नैनीताल डिवीजन में फायर वॉच एक्स्ट्रा रखा, तो वो उसे आग डिफरेंट एरियाज में कंट्रोल करते आ रहे हैं।